वैसे मैं खुद कभी मुंबई के बाहर नहीं गया, लेकिन अगर आप कभी पोलैंड जाएं तो वहाँ के स्कूल्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स में आपको इंडियन कल्चर से प्रेरित स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग देखने को मिलेंगी। आप पोलैंड की हिस्ट्री बुक में इंडिया का स्पेशल मेंशन देख सकते हैं। इवन वहाँ के कई शहरों के रोड्स एंड स्कूल का नाम महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। बट द क्वेश्चन इज कि ये महाराज थे कौन और पोलैंड से इनका क्या रिलेशन है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कई पोलैंड लोगों को बंदी बनाया गया था सोवियत यूनियन के लेबर कैंप्स में, लेकिन जब हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तब इन सभी लोगों को वहां से निकलने का एक मौका मिला और यहां से शुरू हुआ पोलैंड के रिफ्यूजीज का ग्रेट एक्सोडस। अपने देश को छोड़कर आए इन रिफ्यूजीज को किसी भी यूरोपियन या एशियन कंट्री ने अपने देश में जगह नहीं दी। एंड फाइनली जब ये बॉम्बे के पोर्ट पर आए तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इन्हें इंडिया में रुकने से मना कर दिया। नवानगर के महाराज दिग्विजय सिंह जी को अंग्रेजों का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने पोलैंड के इन रिफ्यूजीज को गुजरात में इनवाइट किया। उन्होंने इन रिफ्यूजीज के लिए कई कैंप्स बनवाए, उनके बच्चों को एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और कई अपॉर्चुनिटीज